नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कम्पिटेटिव पाठशाला में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपी सरकार की तरफ से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस परीक्षा के लिए लगभग 4,31,466 विद्यार्थियों ने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाया था, मतलब लगभग 4,30,000 बच्चों ने इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और एग्ज़ाम में लगभग 4,09,530 बच्चे एग्ज़ाम में अपियर हुए थे और उनमें से आप देख सकते हैं कि 1,46,060 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कट ऑफ क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया था उसको क्रॉस करके उत्तीर्ण हुए हैं, एग्ज़ाम में पास हुए हैं। तो आप देख सकते हैं वैकेंसी है 69,000, लेकिन बच्चे पास हुए हैं 1,46,000। कितने बच्चे पास हुए हैं? 1,46,060 बच्चे पास हुए हैं और वैकेंसी यहाँ पे 69,000। और आगे देखते हैं कि हर कैटेगरी वाइज कितने बच्चे पास हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में बच्चे पास हुए हैं 36,614, 36,614 बच्चे जनरल कैटेगरी में पास हुए हैं और ओबीसी कैटेगरी में पास हुए हैं 84,868, 84,868 बच्चे हैं जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी में पास हुए हैं और एससी कैटेगरी में पास हुए हैं 24,308 बच्चे। इसी तरह एसटी में पास हुए हैं 270 बच्चे। तो लगभग एसटी वालों का लगभग कन्फर्म है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि किन किन बच्चों ने कौन कौन सा कोर्स किया था और वे इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिलेट करने वाले में से 38,610 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिलेट किया हुआ है। जो बच्चे पास हुए उनमें से 38,610 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिलेट किया है और 8,018 बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा मित्र है। तो जो शिक्षा मित्र है उनका भी लगभग सिलेक्शन क्या है, कन्फर्म है। जितना भी शिक्षा मित्र हैं या एसटी कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन लगभग 99% कन्फर्म है। उनके अलावा जो बीएड वाले हैं उनमें 97,368 बच्चे हैं जिन्होंने बीएड किया है और वे इसके लिए क्या हुए हैं, अपियर हुए हैं। और अदर्स और 2,064 बच्चे हैं जो अन कोर्स किए हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स किए हैं जो इस एग्ज़ाम में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी वाइज और क्या क्या क्वालिफिकेशन वाले बच्चे पास हुए हैं। तो इन सभी आंकड़ों का एनालिसिस करने के बाद हमारी टीम ने आप लोगों के लिए कट ऑफ डिसाइड किया गया कि अगर आप इतना मार्क्स लाएँ तो आप सेफ कैटेगरी में और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 99.9% है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि आपके लिए कितना कट ऑफ सेफ रहेगा और आप इतने मार्क्स लाए तो आपका सिलेक्शन लगभग होने की चांसेस है। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि वे लोग भी अपने टेंशन को कम कर सकें कि क्या कट ऑफ जाने वाला है, क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी टीम ने आप लोग के लिए एक कटअप का क्राइटेरिया डिसाइड किया कि अगर आप लोग इससे ऊपर मार्क्स लाते हैं तो आप लोग का लगभग स्कोर क्या है, आप लोग सेफ जोन में रहेंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर 69+ है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। अगर आप 69 या 69 से ज़्यादा मार्क्स आपके हैं तो अलग हो, आप अपने आप को सेफ समझिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो अगर आप 65+ मार्क्स लाए हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस लगभग 99.9% कन्फर्म है। उसी तरह अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर 62+ है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग की टीम ने आप लोग के लिए एक एक कटअप डिसाइड किया है जनरल ओबीसी और एससी में। अगर जनरल में 69+ है तो आप समझिए सेफ हैं, ओबीसी में 65 या 65+ हैं और एससी में 62 या 62+ है तो आप अपने आप को सेफ समझिए। तो हम लोग की टीम ने आप लोग के क्वेरी को दूर करने के लिए एक कटअप एनालिसिस किया है। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का रिजल्ट बहुत ही जल्द यूपी सरकार की तरफ से पब्लिश किया कर दिया जाएगा और सही बच्चों को रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।